साल 1992 में आई आमिर खान, दीपक तिजोरी और आशा जुल्का स्टारर फिल्म जो जीता वही सिकंदर दर्शकों को काफी पसंद आई थी। इस फिल्म में दीपक तिजोरी भी मुख्य भूमिका में थे। लेकिन क्या आपको पता है कि दीपक के इस रोल को पहले मिलिंद सोमन ने किया था? इस बात का खुलासा करते हुए दीपक तिजोरी ने हाल ही में बताया कि वह इस फिल्म के लिए पहली चॉइस नहीं थे। उन्होंने इस फिल्म के लिए ऑडिशन दिया था और इस ऑडिशन में उन्हें रिजेक्ट कर दिया गया था। उनकी जगह मिलिंद सोमन को चुना गया था। दीपक तिजोरी ने हाल ही में दिए एक मीडिया इंटरव्यू में इस फिल्म की कास्टिंग को लेकर कई खुलासे किए हैं। उन्होंने इस फिल्म की कास्टिंग के बारे में बातचीत करते हुए कहा कि मैंने फिल्म जो जीता वही सिकंदर का ऑडिशन दिया था, लेकिन मुझे इस फिल्म के लिए रिजेक्ट कर दिया गया था। मेरी जगह मिलिंद सोमन को चुना गया था। उन्होंने आगे इस फिल्म की कास्टिंग को लेकर बातचीत करते हुए कहा कि मिलिंद सोमन को मेरे वाले किरदार के लिए चुन लिया गया था। उन्होंने 75% तक इस फिल्म की शूटिंग भी पूरी कर ली थी, लेकिन बाद में उन्होंने यह फिल्म बीच में ही छोड़ दी। मिलिंद कहते हैं कि उन्होंने यह फिल्म उन्हें समय पर नाश्ता न मिलने के कारण छोड़ दी थी। वैसे मुझे पक्का नहीं पता कि मिलिंद ने इस फिल्म को बीच में ही क्यों छोड़ दिया था। आगे उन्होंने ये भी बताया कि कैसे ऑडिशन में रिजेक्ट होने के बावजूद उन्हें इस फिल्म के लिए ये रोल मिला। दीपक ने बताया कि मिलिंद के बीच में ही फिल्म छोड़े जाने के बाद आमिर खान ने ही जो जीता वही सिकंदर के लिए मेरा नाम सुझाया था। आमिर को एक्टर को अच्छी तरह से परखना आता है। उन्हें मेरे ऊपर पूरा विश्वास था, इसीलिए उन्होंने फिल्म में मेरा नाम सुझाया था। बता दें कि साल 1992 में आई आमिर खान, दीपक तिजोरी और आशा जुल्का स्टारर इस फिल्म को मंसूर खान द्वारा निर्देशित किया गया था। इस फिल्म को आमिर खान के चचा नासिर हुसैन ने लिखा था और खुद ही प्रोड्यूस किया था। ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर काफी बड़ी हिट फिल्म साबित हुई थी। फॉर मोर वीडियोस सब्सक्राइब लहरें।